हाय एवरीवन एंड वेलकम टू अपना कॉलेज और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रंट एंड और बैक एंड के बारे में सबसे पहले शुरुआत करेंगे फ्रंट एंड और बैक एंड होते क्या हैं उसके बाद दो तीन फैक्टर्स डिस्कस करेंगे जिसकी हेल्प से हम डिटरमाइन कर पा रहे होंगे कि अगर हम ऐप डेवलपमेंट वेब डेवलपमेंट जैसी चीजें कर रहे हैं अगर हम एप्लीकेशंस के बारे में और समझना चाहते हैं या फिर अगर हम अपने रेजमे के लिए कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो इनमें से हमें क्या प्रैक्टिस करना चाहिए या फॉर द लॉन्ग टर्म हमारे लिए क्या बेटर रहेगा हमारे इंटरेस्ट के साथ कौन ज़्यादा अलाइन करेगा तो सबसे पहले बात करते हैं कि दोनों होते क्या हैं फ्रंट एंड एप्लीकेशन का वो पार्ट होता है जो क्लाइंट साइड पर आता है जो यूजर के साथ इंटरैक्ट करता है जैसे अगर हम किसी नॉर्मल वेबसाइट के ऊपर जाते हैं मान लीजिए हम विकीपीडिया पर गए तो वहां पर जितना भी कंटेंट हमें दिख रहा है जितनी पिक्चर्स दिख रही हैं बटन्स दिख रहे हैं वो सारे के सारे उसके फ्रंट एंड का पार्ट है अगर हम एक गाड़ी का एग्जाम्पल तो उस गाड़ी में जो एक्सटीरियर होता है अंदर का व्हील होता है उसमें जो फ्यूल टैंक वाली सुई हमें दिख रही होती है स्पीड दिख रही होती है वो सारा का सारा उस गाड़ी का फ्रंट एंड होता है जो एक यूजर को दिख रहा होता है जिसके साथ यूजर इंटरैक्ट कर सकता है क्योंकि स्टेयरिंग व्हील को यूजर हिला सकता है तो वो एंड का पार्ट है अब इसके बाद बात करें कि बैकएंड क्या हो तो बैकएंड एक एप्लीकेशन का वो पार्ट होता है जहां सारा लॉजिक स्टोर्ड होता है जहां सारा डेटा स्टोर्ड होता है और जहां किसी एप्लीकेशन के लिए सारी की सारी कॉम्पिटेशन होती है अब बात करें कि फ्रंट एंड और बैक एंड में से इंपॉर्टेंट कौन सा है तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि गाड़ी में अगर इंजिन नहीं होगा तो वो चल नहीं पाएगी और गाड़ी का एक्सटीरियर नहीं होगा तो उस गाड़ी में कोई बैठना नहीं चाहेगा तो इसीलिए यूजर इंटरेक्शन, यूजर एक्सपीरियंस को बेटर करने के लिए किसी भी एप्लीकेशन के फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों ही स्ट्रॉन्ग होने चाहिए दोनों ही अच्छे होने चाहिए अब इसमें अगर आपका इंटरेस्ट उस तरफ जाता है जहां पर आपको लगता है कि आपको अगर किसी वेबसाइट का डिज़ाइन दे दिया जाए या आपको खुद किसी वेबसाइट को डिज़ाइन करना हो कि यूज़र को कहां पर बटन प्लेस करने में ज़्यादा आसानी होगी कौन सी क्लिक पर क्या होना चाहिए वो सब चीज़ें आपको अच्छी लगती है आपको इधर उधर एलिमेंट्स प्लेस करना अच्छा लगता है या क्लाइंट का इंटरैक्शन किसी भी एप्लीकेशन के साथ बेटर बनाने में अच्छा लगता है तो आपको डेफिनेटली फ्रंट एंड की तरफ जाना चाहिए लेकिन अगर आपको थोड़े कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम्स लिखना पसंद है अगर आपको डेटा के साथ काम करना पसंद है तो आपको बैक एंड की तरफ जाना चाहिए अब सिर्फ फ्रंट एंड डेवलपर्स और बैक एंड डेवलपर्स नहीं होते कंप्यूटर साइंस की फील्ड में फुल स्टैक डेवलपर्स भी होते हैं और ये फुल स्टैक डेवलपर्स फ्रंट इंड के साथ भी काम करते हैं और बैक इंड के साथ भी काम करते हैं तो इस तरीके से आप डिसाइड कर सकते हैं कि इन तीनों में से आप कौन सी डायरेक्शन में जाना चाहते हैं अब सबसे पहला फैक्टर जो आपको हेल्प कर रहा होगा डिसाइड करने में उसकी बात करें तो उसमें से सबसे पहला है कि इनमें से जल्दी कौन सी सीखी जा सकती है किसको सीखने में ज़्यादा आसानी होती है अब यूजुअली जो चीज़ मैंने नोटिस की है जितने भी स्टूडेंट्स के साथ मैंने इंटरेक्ट किया या अपने बैचमेट्स के साथ उसमें ये होता है कि हम किसी भी टेक्नोलॉजी पर काम करना शुरू करते हैं उसमें अगर हमें रिज़ल्ट नहीं दिखते हैं ना तो हम थोड़े से डिमोटिवेट हो जाते हैं एंड उसके बाद हम सोचते हैं कि कुछ नया सीख लेते हैं जिसमें ज़्यादा रिजल्ट दिखें तो इसीलिए काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो प्रोग्रामिंग शुरू करते हैं और उसके बाद उन्हें थोड़े बहुत रिजल्ट नहीं दिखते परेशानी आती है तो यूजअली वहीं पर छोड़ देते हैं फिर सोचते हैं सी प्लस प्लस में रिजल्ट नहीं आ रहे कोई बात नहीं जावा कर लेते हैं जहाँ में रिजल्ट नहीं आ रहे कोई बात नहीं पाइथन कर लेते हैं तो ये वाली जो चीज है ये काफी सारे स्टूडेंट्स फेस करते हैं मैंने भी अपने टाइम पर फेस की थी तो इस प्रॉब्लम से जो टेक्नोलॉजी थोड़ी सी फुल प्रूफ है वो है एंड अब फ्रंट एंड के अंदर क्या होता है कि आप जो भी कोड लिख रहे हैं उसका आप एक आउटपुट देख पाते हैं अपनी स्क्रीन पर यूजुअली ये बैक एंड के अंदर नहीं होता बैक एंड के अंदर हम यूजुअली मोस्टली कोड के साथ या नंबर्स के साथ खेल रहे होते हैं कंसोल स्क्रीन के साथ खेल रहे होते हैं तो वहां पर इतना फंड टू इंटरैक्ट नहीं होता पर फ्रंट एंड के अंदर आप देख पाते हैं कि आपने एक पूरी की पूरी वेबसाइट का कलर ही चेंज कर दिया वहां पर इतने ब्यूटीफुल आपने बटन ऐड कर दिए इतना सुंदर आपने फॉन्ट डाल दिया टेक्स्ट का तो वहां पर विजुअली आपको अच्छा लगता है अपने

डेफिनेटली बैक एंड वाली साइड को एक्सप्लोर करिए अब इसमें सेकेंड फैक्टर जो हम डिस्कस करेंगे वो है रोबस्टनेस का अगर आप फ्रंट एंड सीखते हैं तो फ्रंट एंड के अंदर आजकल काफी सारे फ्रेमवर्क्स हैं हमारे पास जैसे रिएक्ट जेएस हो गया एंगुलर हो गया पर फ्रंट एंड के जो फ्रेमवर्क्स हैं वो ज्यादा जल्दी बदलते हैं एज कंपेयर टू बैक एंड बैक एंड के अंदर सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं होती अगर सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात करें तो फ्रंट एंड के अंदर हम सीख रहे होते हैं एसटीएमएल सी एस एस जावा स्क्रिप्ट साथ के साथ रिएक्ट एंगुलर जेएस जैसी चीजें बूट स्टैप हम सीख लेते हैं जे क्वेरी सीख लेते हैं बैकंड की बात करें तो वहां पर जो लैंग्वेजेस सीख रहे होते हैं उनमें से आ जाती है पी एच पी रू उसके साथ साथ आजकल नोट जे एस है जो जावर स्क्रिप्ट का रन टाइम इन्वायरमेंट है जैंगो आ जाती है हमारी जो पाइथन से बनी हुई है अब जैसे फ्रंट एंड में आप सिर्फ टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं बैक एंड में आप सिर्फ टेक्नोलॉजीज नहीं सीख रहे आप इंटरेक्शन सीख रहे हैं आप कंप्यूटर साइंस के ज्यादा कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं क्योंकि डेटा बेसिस के साथ बैक एंड को कैसे जोड़ना है आप वो चीज ज्यादा अच्छे से समझ पा रहे हैं एक सिस्टम में स्केलेबिलिटी कैसे होती है एक सिस्टम को डिजाइन कैसे करना है सर्विसेज को माइक्रो सर्विसेज में कैसे तोड़ना है छोटी छोटी सर्विसेज में वो चीजें आप ज्यादा सीख पाते हैं तो उसकी वजह से लैंग्वेज शिफ्ट करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है पर फ्रंट एंड में यूजुअली अगर आपका एक लैंग्वेज पर ज्यादा कमांड है तो शिफ्ट करने का सेंस नहीं बनता अनलेस वो 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 जो वो जो लैंग्वेज है है फ्रेमवर्क कंप्लीटली आउट ऑफ पिक्चर चला जाए इंडस्ट्री में तो ज्यादा रोबस्ट जो है वो बैक एंड है क्योंकि वहां पर जो आप कॉन्सेप्ट सीखेंगे वो ज्यादा कंप्यूटर साइंस डोमेन से जुड़े हुए हैं और उन कॉन्सेप्ट को आप सिर्फ बैक एंड में नहीं बहुत सारी जगह अप्लाई कर पाएंगे जब भी आप एप्लीकेशन को बना रहे हैं तो ये दोनों फैक्टर्स थे जो मुझे लगा कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये डिटरमाइन करने में कि अगर हम शुरुआत कर रहे हैं डेवलपमेंट की और अगर हमें डिसाइड करना है अगर हमें एक्सप्लोर करना है तो डेफिनेटली हमें दोनों करने चाहिए लेकिन डिसाइड करना है कि किस करियर पाथ को हम चूज करें तो आप एक तो दोनों को एक्सप्लोर जरूर कर लें थोड़ा थोड़ा एंड उसके बाद इन दोनों के प्लस माइनस एंड कॉन्स देखें जो भी हमने बात की कि कौन सा आसान रहेगा कौन सा ज्यादा रोबस्ट रहेगा किस में आप ज्यादा चीजें सीख पाएंगे किसमें आप किस तरीके का, का काम कर रहे होंगे तो जिस तरीके का काम आपको करना पसंद है आपको उसी डायरेक्शन में लेकर जाना चाहिए अपने चॉइस को आई होप कि ये वीडियो थोड़ा सा हेल्पफुल रहा होगा उन स्टूडेंट्स के लिए जो थोड़े से डाउट में थे कि फ्रंट एंड की तरफ जाना चाहिए या बैक एंड की तरफ जाना चाहिए आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग